हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप टू एजुकेशन। टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर 8 इग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। इट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, क्योंकि बिकॉज कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स जानना हमको बहुत ज़रूरी है। हमने जो लास्ट एक्सरसाइज वगैरह में जो पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। यानी परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो एंगल जिस एंगल से हमको मेज़र कर रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये पी होगा, थीटा के लिए क्या होगा, ये पी है ना। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। फिर कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है थीटा के लिए, ये है ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, बी सी अपॉन और ए बी, ठीक है। और बाकी तीन साइन क्या है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ये तो हमको साइन मालूम है। अब ये यहाँ पे ये थीटा है और ये 90, ये क्या है 90 डिग्री का, है ना, ये थीटा है। तो ये एंगल क्या होगा, हमको मालूम है सम ऑफ तीनों एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल ए हमारा क्या है, थीटा। एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री, है ना, और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल साइन सी निकालेंगे हम, ये वाला है ना? इसके लिए क्या बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी। तो साइन 90 थीटा माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। इस तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब बेस इसका ये है, है ना, और परपेंडिकुलर ये है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। के बाद इनके अपोजिट, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि सी एंगल निकाल रहा है ना। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और 10 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली और 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। तो देखो अब, जैसे साइन थीटा, हमारा साइन थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी, है ना। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, देखो बी सी अपॉन ए सी। तो यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ए बी अपॉन ए सी, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा भी क्या है, ए बी अपॉन ए सी, दोनों वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और 10 90 माइनस थीटा, देखो ए बी अपॉन बी सी, तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पे देखो ये कॉट की वैल्यू है, ए बी अपॉन बी सी। तो इसी तरीके से 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है हमारा, ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है, है ना, ए सी अपॉन ए बी। क्या आ गई इसकी वैल्यू,
सेक थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी। और हमारा देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या है, ए सी अपॉन बी सी थीटा के बराबर होगा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, बी सी अपॉन ए बी। और ये किसकी वैल्यू है हमारी, देखो बी सी अपॉन ए बी 10 के बराबर है ना, यहाँ पे ये 10 के बराबर है बी सी अपॉन ए बी। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमको इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। तो वी विल कंटिन्यू विथ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।